नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरीन। और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और ट्वीट किया है। 8 मार्च को महिला दिवस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ट्वीट किया और लिखा कि मेरा सोशल मीडिया अकाउंट महिलाओं को समर्पित होगा। सोशल मीडिया छोड़ने की अटकलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश, 8 मार्च को एक दिन के लिए महिलाओं को सोशल मीडिया अकाउंट समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। 8 मार्च यानी महिला दिवस, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ट्वीट किया है, महिलाओं को समर्पित करेंगे अपना सोशल मीडिया अकाउंट एक दिन के लिए। 8 मार्च वो दिन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने ट्वीट किया है, आपको याद होगा कि कल भी एक ट्वीट किया था, और उन तमाम अटकलों के बीच ये एक महत्वपूर्ण संदेश प्रधानमंत्री का। सीधे रुख करेंगे, रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, एक ट्वीट कल को किया था और एक आज, लेकिन आज के ट्वीट में बताया कि 8 मार्च को कैसे अपना सोशल मीडिया अकाउंट एक दिन के लिए वो महिलाओं को समर्पित करेंगे। बिल्कुल, आप सबके लिए बड़ा दिन होगा शेरिन, क्योंकि देश की जो आधी आबादी है उसको समर्पित होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्विटर हैंडल प्रधानमंत्री का। तो जाहिर तौर पर उन्होंने कल एक सरप्राइज दिया था जिसका खुलासा आज उन्होंने कर दिया। हालांकि ये कयास लग रहा था कि संडे को ही उसी दिन वो करेंगे, लेकिन चूंकि जो हमें जानकारी मिल रही है और जो सामने है कि उस दिन उनके पूरे ट्विटर हैंडल को या पूरे सोशल जो अकाउंट है, मीडिया अकाउंट है, उसको महिलाएं ही हैंडल करेंगी। उसके लिए सिलेक्शन प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी, जिसके लिए उन्होंने हैशटैग भी दिया गया है, जिस पर यूट्यूब पर वीडियो भी होंगे। हैशटैग जो भी इंस्पायर अस जो जिन्होंने किया है, उस तरह का उन्होंने एक तरह से कंपटीशन भी रखा है। 20 महिलाएं उसको हैंडल करेंगी, इसलिए इसका खुलासा एक दिन बाद ही कर दिया गया है, जैसा कि मामला सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आधी आबादी को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री ने कल वो ट्वीट किया था सरप्राइज, आज उसका खुलासा किया है। एक बड़ी बात उन महिलाओं के लिए जो सोशल मीडिया से जुड़ी हुई हैं या प्रधानमंत्री के बारे में जानना चाहती हैं, और प्रधानमंत्री के जो विचार है महिलाओं के प्रति या देश के प्रति, वो अपना शेयर करेंगी प्रधानमंत्री के नाम पर। यानी नरेंद्र मोदी जो होगा वो पूरी तरह से हैंडल किया जाएगा महिलाओं द्वारा, और महिलाओं को समर्पित होगा 8 मार्च को। बिल्कुल, और रविंद्र ये उन तमाम लोगों को जवाब है, चूंकि निराश हो गए थे बहुत सारे लोग, ऐसे सवाल पूछ रहे थे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये किस तरह का संकेत देना चाह रहे हैं। उन तमाम सवालों का जवाब आज लोगों को मिल गया इस दूसरे ट्वीट से। देखिए बिल्कुल, खासकर अगर ऑपोजिशन के बड़े नेता अगर देखा जाए, तो राहुल गांधी ने जिस तरह से तुरंत हड़बड़ी में अगर वो ट्वीट जो उन्होंने किया था कि आप इसको छोड़िए नहीं, नकारात्मकता जो है वो छोड़िए, उसका भी जवाब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के इस ट्वीट, आज के ट्वीट से मिलता है कि बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर अपने विचार नहीं रखना चाहिए। कि उनको जैसे कि जब बाकी लोगों को लग रहा था कि प्रधानमंत्री अपने सोशल मीडिया अकाउंट जो है उनका उससे बाहर हो जाएंगे, और ये भी आ रहा था कि स्वदेशी निर्मित हो रहा है, मेक इन इंडिया हो रहा है, कई तरह की बातें आ रही थी, सूत्रों द्वारा जानकारी मिल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं दुनिया के सबसे बड़े अगर देखा जाए दो लोगों में है, बराक ओबामा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिनके फॉलोअर हैं अगर पूरा सोशल मीडिया अकाउंट को देखा जाए तो उसको देखते हुए, और इतनी लोकप्रियता है, वो अपनी बात भी रखते हैं, लोगों की बात भी सुनते हैं सोशल मीडिया द्वारा, तो उससे दूर हटना काफी मुश्किल माना जा रहा था कि किसी न किसी रूप में वो बने रहेंगे। लेकिन आज का ट्वीट जिस तरह के उन्होंने दिया है कि एक दिन के लिए वो दूर होंगे, उनके विचार हो या आपके अपने विचार हो, महिलाओं से समर्पित हो, महिलाओं द्वारा ही हो। आपको रोकना चाहूंगी, आईटी सेल के हेड इस वक्त अमित मालवीय मेरे साथ जुड़ गए। अमित मालवीय जी, ये बड़ी पहल महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कयास जितने थे उन कयासों को शांत करते हुए और कह रहे हैं कि एक दिन महिलाओं के नाम मेरा सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर महिलाओं के नाम रहेगा, वो खुद हैंडल करेंगे। देखिए, अगर आपने ध्यान दिया हो तो भारत सरकार पूरे एक सप्ताह अलग अलग पहलुओं पे महिलाओं को लेकर कार्यक्रम कर रही है, और 8 मार्च जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे की तरह मनाया जाता है, उस दिन प्रधानमंत्री जी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे उन महिलाओं की कहानी लोगों को बताना चाहते हैं जिन्होंने अपने जीवन में, अपने निजी जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में ऐसा कुछ काम किया हो जो बहुत ही इंस्पिरेशनल हो, जिससे दूसरी महिलाएं इंस्पिरेशन ले सकें, प्रोत्साहित हो सकें। और ये बड़ी पहल इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री जी की जो सोशल मीडिया पर लोकप्रियता है वो अद्वितीय है और बहुत व्यापक है, तो उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी महिला सशक्तिकरण की तरह, महिला पावर को सेलिब्रेट करने के लिए, और विमेन लेड डेवलपमेंट की जो उनकी सरकार बार बार बात करती आई है उसको सामने रखने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मुझे लगता है सोशल मीडिया का और टेक्नोलॉजी का ये जो प्रयोग है ये अपने आप में बहुत अनूठा है,
और महिलाओं के सशक्तिकरण की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन अमित मालवीय, कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया, सरप्राइज ट्वीट अगर उसे कहें तो गलत नहीं होगा, सभी हैरान थे, सवाल पूछ रहे थे, लोग परेशान तक हो गए, कह रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री से तो हम इंस्पायर होते हैं, आखिर वो कैसे छोड़ने की बात कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन लोग परेशान हो गए थे। देखिए, प्रधानमंत्री जी बहुत ही सकारात्मकता के साथ काम करते हैं, और कल जब प्रधानमंत्री जी ने वो ट्वीट डाला तो उनके ट्वीट में कहीं भी कोई नकारात्मकता नहीं थी। लोग उसको अलग अलग नजरिए से देखने का प्रयास कर रहे थे, और मैंने तभी तमाम चैनलों में ये कहा कि हमें सकारात्मक दृष्टि से सोचना चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ सोचना चाहिए, और आज प्रधानमंत्री जी ने उन अटकलों को एक दिशा देने का जो काम किया है उससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। बिल्कुल, और महिलाओं का दिन है 8 मार्च, महिला दिवस, और इसीलिए इस एक तरीके से तोहफा है महिलाओं के लिए। मेरे साथ अमित मालवीय जी, रविंद्र मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। रविंद्र, अमित मालवीय, आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक थी, सारे बीजेपी के सांसद थे, और आपको याद होगा कि 4-5 साल पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि सब कोई सोशल मीडिया पर आइए, अपने जो भी काम है सोशल मीडिया पर आकर करिए। यहां तक कि आज भी उन्होंने कहा कि जन औषधि को लेकर जो उनके क्षेत्रों में 2 लोग ने काम किया है उसका वीडियो बनाकर आप ट्विटर हैंडल पर डालिए या सोशल मीडिया पर, एकाएक उनको सोशल मीडिया से हटने की जो बात कही थी, सारे सांसद सारे लोग नाराज, एक तरह से उदास भी हो गए थे और कुछ ने नाराजगी भी जताई ऑफ द रिकॉर्ड। आपकी भी हालत उसी तरह की थी ऐसा सुनने में आया, क्योंकि आपको भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री सोशल मीडिया से हट जाएंगे और जो एक पूरा ताना बना है सियासत का वो एक झटके में दूर हट जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्वीट में जिन शब्दों का चयन किया था वो ये था कि आई विल गिव अप माई सोशल मीडिया अकाउंट ऑन दिस संडे, अर्थात कि मैं संडे अपना सोशल मीडिया को जो अकाउंट है वो छोड़ दूंगा। और आज उन्होंने स्पष्ट किया कि वो महिलाएं जिनकी कहानी इतनी इंस्पिरेशनल है जिससे और महिलाएं भी इंस्पायर हो सके, उन महिलाओं को उनकी कहानियों को लोगों के सामने लाने के लिए मैं अपने सोशल मीडिया का अकाउंट उन महिलाओं के हक में उनके तरफ छोड़ दूंगा। तो उन्होंने जो लिखा उसका अभिप्राय लोगों ने अलग अलग तरीके से दिया। स्वाभाविक सी बात है, प्रधानमंत्री जी ने कल जब ये बात कही तो उत्सुकता होना अपेक्षित था, और अगर इतनी बड़ी मुहिम को लोगों के सामने रखना है तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के उस ट्वीट ने उस काम को बहुत बखूबी किया। आप सब लोगों ने उस मैसेज को जिस प्रकार से रिसीव किया और देश के सामने रखा, और आज जब ये स्पष्टता आई तो आज सारा देश जानता है कि प्रधानमंत्री जी 8 मार्च को महिला सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो अपने में कितना अद्भुत है, कितना अनूठा है, और इससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। अभी भी 5-6 दिन है रविवार तक, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि शी इंस्पायर्स मी #, यूज करके आप फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, तमाम जगह अपनी स्टोरीज, अपनी कहानियां, अपने वीडियोस डाल सकते हैं, और उनको प्रधानमंत्री जी अपने सोशल मीडिया पर डालेंगे। और इस प्रकार के कई सारे प्रयास प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से भी करे हैं। उन्होंने बार बार कई महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की जो सफलताओं की कहानियां हैं उसके बारे में जिक्र किया। आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में एक थर्मस का जो फ्लास्क आता है वो एक महिला उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर है, जिन्होंने बनाया, उन्होंने चेन्नई से वो फ्लास्क भेजे और प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी चर्चा अपने मन की बात कार्यक्रम में करी। तो समय समय पर प्रधानमंत्री जी ने जो भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है और उसको अलग अलग तरीके से लोगों के सामने महिलाओं की जो सफलता है, उनकी जो अगले पायदान पे चढ़ने की कहानी है उसको पहुंचाने का प्रयास किया है। लेकिन अमित मालवीय, बिल्कुल, और इसीलिए कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कोई बात कहते हैं या कोई हिंट देते हैं तो उसके पीछे कोई बड़ी बात या कोई बड़ी वजह छुपी होती है, और इस मामले में भी, इस ट्वीट के बाद भी, जब ये दूसरा ट्वीट उस सरप्राइज को तोड़ा जब प्रधानमंत्री ने, तो बहुत बड़ी वजह महिलाओं से जुड़ी हुई, 8 मार्च का दिन महिलाओं को पूरी तरह समर्पित, महिला दिवस का दिन, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर महिलाओं को सौंपने की बात कही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका अमित मालवीय, साथी रविंद्र भी मेरे साथ जुड़े हुए थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही सोशल मीडिया छोड़ने की बात कही, आपको बता दें कि यहां पर #NoSir ट्रेंड करने लगा।
पीएम मोदी की यही सफलता है। आपको हम यहां पर भी बताते चलें कि कैसे पीएम मोदी ने कई योजनाओं, कई अभियानों को सोशल मीडिया के जरिए देश में बढ़ाया और उसे लोकप्रिय बनाया। भारत का रहने वाला हूं, स्वदेशी अभियान चलाता हूं। जी हाँ, ये सच है। इस देश में चाहे योग को जन जन तक पहुंचाना हो या डिजिटल इंडिया बनाना हो, फिटनेस को बढ़ावा देना हो या CAA पर देश को समझाना हो, पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर स्वदेशी अभियान चलाए हैं। जी हाँ, ये भी सच है। बीते 6 साल में सबसे ज्यादा किसी के ट्वीट्स या फेसबुक पेज पर वीडियो कमेंट्स वायरल हुए हैं या ट्रेंड करने लगे हैं तो वो पीएम मोदी के ट्वीट्स और वीडियोस हैं, क्योंकि पीएम मोदी को इस देश में सबसे ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, सबसे ज्यादा लोग टैग करते हैं और सबसे ज्यादा लोग सूचना पाते हैं। क्या आज से 6 साल पहले ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर लोग बहुत एक्टिव थे? क्या आज से 6 साल पहले सोशल मीडिया सूचना का इतना बड़ा साधन बना था? इन सवालों के जवाब आप नहीं में ही देंगे, लेकिन आज ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम हर जानकारी का आधार है और